अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट ड्राइंग, एंड दिस इज़ अवर ड्राइंग वर्क बुक, एंड हियर योर ड्राइंग टीचर सैयद गुलाब साहब। सो बॉयज़, हमने फर्स्ट पीरियड में जो है पहले लाइंस देखी थी और वो हमने हमारी वर्क बुक में ड्रॉ की थी सारी लाइंस बॉक्स के अंदर। अब आज इससे नेक्स्ट वाले पीरियड में जो हमारा प्रीवियस पीरियड था उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये जो लाइंस थी हमारी स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन एंड डॉटेड लाइन उसको हमारी वर्कबुक में ये वाले बॉक्सेस में कॉपी किया था। आई होप आप लोगों ने आपका ये वर्क फिनिश कर लिया है। आज हम क्या देखने वाले हैं, शेप्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर जिसमें हम शेप्स देखेंगे। यहाँ पे देखो टीचर ने इसे करके दिया हुआ है। क्या किया है, डॉटेड लाइन को आप लोगों को ज्वाइन करना है और उसमें आपको कलर करना है। ये सारे बॉक्सेस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर करोगे, आप लोगों को एक ही कलर नहीं यूज़ करना है। देन आप लोगों को ये कर्व लाइन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाई थी। कर्व लाइन ड्रॉ करवाई थी तब आपको मैंने थ्री कर्व शेप्स दिए थे। एक वाला एक उल्टा सी था, ऑपोजिट सी, एक मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ, ऑपोजिट सी था, फिर हमने सी बनाया था और इस तरीके से कर्व बनाए थे। ये उसी की प्रैक्टिस जो आपने की होगी तो आप लोग ये आसानी से कर सकते हो। और ये वाला भी ऑपोजिट कर्व, ऑपोजिट सी एंड सी, ये दोनों यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो आपको इसमें करना क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है उसको आप लोग पहले मैच कर दोगे। इस तरीके से आपको डॉटेड लाइन को मैच करना है। आप लोगों को हैंड ही यूज़ करना है, स्केल भी यूज़ करोगे तो चलेगा, बट हैंड की प्रैक्टिस ज़्यादा रखो। इस तरीके से आपको शेप को ड्रॉ करना है। उसके बाद ये वाला भी इसी तरीके से डॉटेड लाइन करके फिनिश करेंगे हम लोग। एंड देन दिस वन, पहले आप लोगों को क्या करना है, ये सारे डॉटेड लाइन को फिनिश कर देनी। ये फिनिश हो जाने के बाद इसमें कलर फिल करना है। अब कलर किस तरीके से करते हो आप लोग, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। पहले हम लोग बॉर्डर फिनिश करेंगे, बॉर्डर को इस तरीके से फिनिश कर देनी है। जो अगर आप बॉर्डर अच्छे से फिनिश कर लेते हो तो उसमें कलर आसानी से आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये बॉर्डर फिनिश हो जाने के बाद हमें एक ही वे में कलर करना है। जो अगर हम इस वे में कर रहे हैं कलर तो इसी वे में होना चाहिए, जो इस तरीके से कर रहे हैं तो इसी में। मैं आपको आज नीचे से स्टार्ट करना बताती हूँ, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बट वे एक ही होना चाहिए। कभी आप ऐसे करते हो, कभी ऐसे, ऐसे नहीं करना है। ओनली वन वे, इस तरीके से जैसे स्लीपिंग लाइन हम लोग बनाते जाते हैं वैसे स्लीपिंग लाइन बनाते हुए इस कलर को फिल करना है, ठीक है। आप लोग ये पूरा फिनिश कर देना सारे कलर करके इसी तरीके से। यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ किस तरह बनाने, पहले कर्व बना के हम लोग बॉर्डर को फिनिश करेंगे। ये हमारी बॉर्डर फिनिश हो गई, उसके बाद हमें कलर भी इसी तरीके से करना है और एक ही वे में, ओनली वन वे यू हैव टू यूज़। इस तरीके से आप लोग बनाओगे, ठीक है। कलर एक जैसा ही फील होना चाहिए। वो कब फील होगा, जब आप अपना हैंड का वे जो कलर करने का है वो एक जैसा रखोगे तब। अब यहाँ पे भी इस तरीके से फील करना है। हम पहले ऑपोजिट सी बना देंगे बॉर्डर पे, फिर ये ऑपोजिट सी और सी, इस तरीके से बनाने के बाद हमें एक ही वे में कलर करना है इसी तरीके से। एक वे में कलर करोगे तभी कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से सारे शेप में आपको डॉटेड लाइन मैच करनी है, उसके बाद सारे में कलर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।